यार ये हमारा ट्रिप था, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। मुझे ही मज़ा आया, मैं बहुत थक गया और अभी मैं हम लोग वापस जा रहे हैं, पैकअप में जा रहा हूँ। दिस इज अ स्टोरी ऑफ माई फ्रेंड्स ऑन दैट फैमिली लेवल एंड अ रोड ट्रिप टू होजदार। हमने भी तो दुनिया देखी है। रात 10 बजे हम लोग गाड़ियों में लोड हुए ताकि सुबह 6-7 बजे तक हम खुशदार पहुंच जाएं। तुम पे ही ये जान फेंकी है। लेकिन सफर में भूख बहुत लगती है भाई साहब। हमने भी लाइट ही मंगवाया। ये देखो ये लाइट खाना है हमारा। भाई अभी हमारा खाना भी पूरा हो गया लेकिन अभी तक इरफान लोग नहीं आए। वो लोग आएंगे फिर उनको तो मैं खाने नहीं दूंगा। हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे ताकि हम लोग जल्दी से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? वो ना मोला चटक। हाँ मोला चटक पहुँचे। यार रास्ते में भूल जाता तो माइंड नहीं करना। हम रात जल्दी से मोला चटक पहुँचें और मैं गाड़ी में सो सकूँ ताकि सुबह पूरा दिन हम आपको मोला चटक दिखाएँ। आप खुद भी देखें लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और रोड ट्रिप विदाउट चाय इज़ लाइक काम विदाउट 25। यार अभी 6 घंटे का रास्ता है यहाँ से आगे तो मैं चाय पी रहा हूँ कि आगे खुशदार जाना है। हम लोग इरफान लोग का वेट कर रहे हैं और ताकि मैं नींद आए मैं सोऊं। हॉस्टिस ही इज फैंटास्टिक। बॉयज आर हियर। ये वो डॉक्टर है जिनकी जी लड़कियां बार बार बीमार होती हैं। ये वो वाले डॉक्टर भाई मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी यार हैशटैग। हमारे लौंडे आ गए यहाँ पे। हम लोग आगे जाएंगे चाय मंगवाओ दोबारा। चाय इज फैंटास्टिक। खैर थोड़ा खापा और चाय फोड़ने के बाद हम लोग निकले खुशदार की तरफ। अरे कैमरा होता है? नहीं नहीं ये कैमरा नहीं, ये ठंडी होती है, इसको ठंडी कहते हैं। हो क्या मेरे भाई? यार ये क्या है, गाड़ी और नहीं हो गई है? यार सर्दी मच पड़ गई है और लेकिन मैं आपको लोगों से मिलवाता हूँ जो आए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधा ट्रिप तो हो गया आपको लोगों से ही नहीं मिलवा। ये वजाहत है, ये मुनीब है, एक तो अंधेरा ऊपर से, ये साहिल है। साहिल हाय कर दो। हारिस जेम्स बॉन्ड। यस ओ मेजर इन फिजिक्स। ये आमिर भाई है, आमिर भगत। बस इतना इंट्रोडक्शन, आगे पीछे कुछ नहीं मेरे। ये आमिर भाई है, आमिर भगत। आई टीच स्टफ लाइक सब्सक्राइब। ये इरफान। इनको तो जानते ही होंगे। इनको क्या जानते होंगे। और मैंने बोला था ना कि रोड ट्रिप में भूख बहुत लगती है। कहाँ है नाश्ता? नाश्ता कहाँ है? गाड़ी में डाल लियो क्या नाश्ता? सरदार जी नाम है हमारा, चाचा जी को बेच दिए यूट्यूब पे सबके सामने। बादल से क्यों हम क्यों वक्त ठहरे से खुशदार में हम लोगों ने 4x4 बुक कराई और सज्जी के लिए एक बेबी बकरा भी पैक किया बिकॉज नाउ इट वॉज टाइम फॉर द रियल रोड ट्रिप। और अगर आप लोग आएँ तो आपको भी आगे का सफ़र छोटा छोटा तक 4x4 में ही तय करना पड़ेगा। ज़्यादा तुरुम खान बनने की ज़रूरत नहीं है, सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है लेकिन भाई साहब इस भूख का क्या करें, देख लग गई फिर से। सबसे पहले तो हमारी गाड़ी ने धोखा दिया। यार ये कराना क्या चाहते हैं हमसे? कहाँ लेकर आए हो भाई? क्या भाई लैंड कराओ भाई, लैंड ही हो रहा है यहाँ पे। हम लोग बहुत मुश्किल से मोला चटक के थोड़े करीब पहुँच गए हैं। इम्पॉसिबल था इस गाड़ी के साथ जाना लेकिन हम लोगों ने थोड़ा बहुत हासिल करके पहुँच गए।
गाड़ी का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि फिर एक गाड़ी में 8-9 लोग नहीं आ सकते, लेकिन अभी 20 मिनट का रास्ता रहता है और गाड़ी पंचर भी हुई है तो उसको थोड़ा ठीक करेंगे, हम थोड़ा चिल करेंगे, सांस आएगी थोड़ा, उनकी सबकी पड़ गई थी, फिर ये हम पहुँच सकते हैं यहाँ पे नहीं। फिर एक दोस्त के कैमरे ने धोखा दिया। चलो ओके बू अली, हमने कसम ली है बजरंगी भाईजान से, मुन्नी को घर छोड़ गए। एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि अपन नहीं बचेगा भाई इधर, पहुँच तो जाएंगे ना। और फिर हम लोग मोला चुटक पहुँचे। अब यहाँ पर मुझे नहीं पता कि रोड ट्रिप कैसे होता है, लेकिन भाई पार्टी तो ऐसी ही होती है। इधर आई पकड़ ले, शॉट दे। यार आप कैसा फील कर रहे हैं भाई? अरे आपकी, अरे सीन ये कि इससे आगे कैमरा नहीं जा सकता, मोबाइल नहीं जा सकता और गाड़ी नहीं जा सकती। आधे घंटे की वॉक है और उसके बाद वहाँ पे चश्मा है जहाँ पे हम नहाने जा रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ गोप्रो जा सकता है। और अभी डिसाइड नहीं किया है, गोप्रो भी लेके जा रहे हैं जा रहे हैं, पर कैंप यहाँ पे लगेगा, हम लोग भी यहीं पर हैं और बातें शाते भी यहीं पर होंगी। हम जूम विटारा में हैं, विटारा में, विटारा में हैं, विटारा। दिस इज वाई वी केम हियर। उस वक्त तो बहुत ही बेवकूफ़ी लग रही थी कि 12 घंटे गाड़ी में बैठकर हम ये करने आए हैं, लेकिन कसम से आज उसी टाइम को मैं सबसे ज़्यादा याद करता हूँ। तो ये है वो वक्त जिसे शायद हम किसी दिन लॉकडाउन में मिस करेंगे, या फिर ये है वो मेमोरीज जिसे हम कभी अपने बुढ़ापे में याद करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात कि तब भी साला सब दोस्त साथ मिलकर ही याद करेंगे, बिकॉज दीज आर माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑन दैट फैमिली लेवल। खैर भाई, लोग कहानी जिधर शुरू करते हैं ना उधर ही खत्म करते हैं, ऐसे ना थोड़ी फिल्म मेकर टाइप फील आती है। द रियल काम पच्चीस। यार ये हमारा ट्रिप था, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, मुझे ही मज़ा आया, मैं बहुत थक गया और अभी मैं, हम लोग वापस जा रहे हैं, पैकअप मैं जा रहा हूँ।